हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने पार्लियामेंट को स्टार्ट किया था और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था उसके बारे में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं या फिर जो भी मोशंस होते हैं उनको जो पास करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज चाहिए होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वैदिक एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो हम कौन कौन से मेजॉरिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल मेजॉरिटी, देन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी, फिर स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का ही एक और स्पेशल केस है कि स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। तो ये सारे क्या होते हैं और ये किस केस में यूज होते हैं, ये हम सारा इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें आपको इस क्लास में समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और फिर से घूम के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा और एक तरह से बने बनाए आपको नोट्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। तो सिंपल मेजॉरिटी में इसका मतलब क्या होता है, तो ये सबसे सिंपल होता है। तो इसमें क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस के, उसमें से जो भी प्रेजेंट है उसका आधा होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज हमने लोकसभा में पढ़ा था कि 545 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से टोटल मेंबर्स प्रेजेंट है 500 ही। ठीक है, तो इसका सिंपल मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, मोर देन 50% बोल रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा 250। और क्योंकि मोर देन है इसलिए 251 जो है इस केस में सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा अगर 500 लोग प्रेजेंट है। ठीक है, हो सकता है कि 200 लोग प्रेजेंट हो उस दिन हाउस में, तो उसका सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा 101। ठीक है, कोई बिल अगर पास हो रहा है, कोई एक ऑर्डिनरी बिल सपोज पास हो रहा है, यहाँ पे से एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें 200 लोग अगर हाउस में आए उस दिन प्रेजेंट हुए तो उसमें से 101 उसका सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान देना है कि यहाँ पे कोरम होना चाहिए। अब कोरम क्या होता है, कोरम वो होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि उस दिन हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। तो वो होता है 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो अगर 545 लोकसभा का स्ट्रेंथ है तो यानी इसका कोरम क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, 10% 54.5 होगा जो कि राउंड ऑफ होकर 55 हो जाएगा। तो 55 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी अगर 56 लोग भी किसी दिन आए हैं और उस दिन बिल पास हो रहा है, ठीक है, तो 29 लोग उसमें वोट कर दिए तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, कोरम से ज़्यादा लेकिन उसका 50% ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो प्रेजेंट हैं, जो आए हैं सिर्फ हाउस में, उसका आधा से ज़्यादा। तो कौन कौन से ऐसे केस होते हैं, तो एनी ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, ठीक है, और वो कैसे पास होते हैं उसका प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मेजॉरिटी देख ले रहे हैं ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्स पढ़ाऊँ कि उसमें सिंपल मेजॉरिटी हो रहा है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी हो रहा है, तो आपको क्लियर रहे कि अच्छा बिल्स में मेजॉरिटी का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मेजॉरिटी पढ़ लेते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, एनी काइंड ऑफ मनी बिल हो गया, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्स हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो ये तीन बिल जो हो गए, ठीक है, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। मोशंस की बात करें, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये जब हम मोशंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सेंसर मोशन, जब हम इलेक्शन का, स्पीकर का इलेक्शन करते हैं, ठीक है, स्पीकर क्या होता है, लोकसभा का जो एक तरह से असेंबली को रिसाइड करता है वो होता है स्पीकर। ठीक है, और ये आपस में ही लोग चुनते हैं लोकसभा से। ठीक है, और वो इलेक्शन जो होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, तो जिसे सिंपल मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो स्पीकर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट जो है ये जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इन केस ऑफ अ ब्लॉकेड। तो ब्लॉकेड कब होता है, जब होता है कि कोई बिल अगर एक हाउस से पास हो गया दूसरे हाउस में नहीं पास हो रहा है, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा उसे पास नहीं कर रहा है, या फिर सेकंड केस हो सकता है कि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट करके पास कर दिया और फिर वो अमेंडमेंट होकर जब लोकसभा में वापस गया तो लोकसभा उस अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉकेड हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा में वो गया और 6 महीने तक वो बिल वहीं तक फंसा रहा और पास नहीं हुआ, ठीक है, अदर हाउस में। ये मैं लोकसभा के लिए बोल रहा हूँ, ये सेम चीज़ राज्यसभा के लिए भी वैलिड होगा। अगर राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो लोकसभा में जाता है और वो पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो घूम के कहाँ जाएगा, वापस। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, एक ब्लॉकेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉकेड की सिचुएशन में होता क्या है, फिर
जो एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाता है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर को जोड़ के, जैसे 545 मेंबर्स लोकसभा के और 250 मेंबर्स राज्यसभा के, ये दोनों जोड़ के एक सेशन होता है और फिर वहाँ पे एक जॉइंट सेशन में वोटिंग होती है। अब यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि फ़ायदा किसको है, लोकसभा को, क्योंकि उसके पास मेंबर्स ज़्यादा है। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे वोटिंग होगी तो फायदा ऑब्वियसली किसको मिलेगा, लोकसभा को, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट सेशन में क्या होता है आपको भी याद रखना है, सिंपल मेजोरिटी। आपको बहुत कुछ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप जब घूम के सारे कुछ पढ़ के यहाँ पे आएंगे तो आपको सभी एक जगह पे नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट मिलेंगे, इसलिए अभी के लिए आप इसे नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के केस में क्या होता है, इसमें है मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर लोकसभा की बात करें तो 545 इसका मेंबर है, ठीक है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर मोर देन 50% की बात कर रहे हैं, तो यानी इसका हाफ क्या होगा, 272.5, अब इससे मोर देन, तो इससे एक हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 0.5 को ही अगर हम ये कर देते हैं राउंड ऑफ, तो 273 जो नंबर आया ये मोर देन 50% है, तो 273 अगर ये नंबर जो है यही एब्सोल्यूट मेजोरिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो अभी हम इसे किसी बिल अलोन में, इसे स्टैंड अलोन में किसी बिल को पास करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके साथ कोई स्पेशल मेजोरिटी जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तभी हम इसे यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है किस लिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए। इसलिए आप देखते होंगे न्यूज़ पे जब भी लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो हम बोलते हैं एक जादुई आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा है 273, ठीक है, कौन सा पार्टी या फिर मिलकर 273 को पहुंचते हैं, तो वो कुछ नहीं है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी को खोज रहे हैं, ठीक है। जब इतना आंकड़ा पहुंच जाएगा तो मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी को पढ़ लेते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी बहुत ही सिमिलर है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, लेकिन बस इसमें जो कुछ वेकेट कर देते हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वेकेशंस, ठीक है, मतलब जो लोग वेकेट कर देते हैं ऑफिस को, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केस में कि लोग रिज़ाइन या तो कर देते हैं, ठीक है, या फिर लोग को छोड़ना पड़ता है वेकेट डिफरेंट कारण से, जैसे डेथ हो जाती है उनकी, तो वो जगह सीट खाली हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद इलेक्शन से उसे वापस किया जाता है इलेक्ट, लेकिन तब तक वो सीट वेकेटेड रहता है, ठीक है। तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं अगेन लोकसभा का कि 545 सीट्स है, ठीक है, इसमें से ऐसा 5 लोग हो गया है जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं या फिर इनका डेथ हो गया है अपने कार्यकाल में ही, तो हमारे पास 540 ही लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई लोग इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में सोचते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं कि सिंपल मेजोरिटी भी तो सेम है, उसमें भी एबसेंट है लोग, लेकिन यहाँ पे एबसेंट नहीं, यहाँ पे वेकेट कर दिए, आपको याद रखना है, मतलब कि वो आ ही नहीं सकते, ठीक है, वो या तो रिज़ाइन हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो रहे ही नहीं या फिर उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में यही डिफरेंस है। तो 540 जो नंबर हो गया इसका आधा हम कर देंगे और उसमें फिर 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ मोर देन 50% की बात हो रही है, तो वो हो जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। तो 271 इस केस में हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी, डिपेंड करेगा ये कितने वेकेशंस हुए हैं, ठीक है। तो ये दो केस में यूज़ होता है, दो नहीं इनफैक्ट 4 केस के हैं, तो रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, बोथ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड होता है रिमूवल ऑफ चेयरमैन और रिमूवल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा। तो हम देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो चेयरमैन हो, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर उसके वाइस चेयरमैन हो या फिर डेप्यूटी स्पीकर हो या फिर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर हो, ठीक है। तो इनको हटाने का जो प्रोसीजर है ये इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है। चलिए तो 3 मेजोरिटी क्लियर हो गया हमें अभी तक, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। नहीं क्लियर आ रहा तो इस वीडियो को फिर से घुमा के देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो आने वाले हैं पार्ट में, वो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्पेशल मेजोरिटी में क्या है देख लेते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी वो मेजोरिटी है जो कि सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कई सारे केस देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का, लेकिन मैक्सिमम ऑफ केस में आपको 2/3 ये नंबर जो है ना ये हर जगह नज़र आएगा। चलिए कैसे नज़र आएगा अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखेंगे कि जिस केस में 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए उस हाउस के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब
कि अगर एग्जांपल हम लेते हैं 545, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें से सपोज बहुत लोग एब्सेंट है और टोटल जो है वो 450 इतने मेंबर सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है 450, तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा 300, ठीक है 150 150 150 450 बनाता है तो 2/3 क्या हो जाएगा 300, तो 301 जो हो जाएगा, ठीक है मोर देन की बात हो रही है, तो 301 जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोर देन 2/3, ठीक है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है ये टोटल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करिए, तो ये एक होता है स्पेशल मेजोरिटी का केस। अब इससे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसे दो जगह यूज़ किया जाता है, आर्टिकल 249 के तहत जो राज्यसभा का पावर है कि लेजिस्लेट कर सकते हैं वो स्टेट लिस्ट के मैटर पर, तो मैंने लास्ट क्लास में राज्यसभा के दो स्पेशल पावर बताए थे, ठीक है वो दोनों स्पेशल पावर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। पहला स्पेशल पावर क्या था कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट के भी मैटर में लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है तो वो यहाँ पे आ गया। सेकंड है कि राज्यसभा कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, हमने पढ़ा था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, ऐसा ऐसा जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उसको नया ऐसा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का पावर राज्यसभा के पास है। तो अगेन इसमें भी ये दोनों जो राज्यसभा के स्पेशल पावर्स हैं इसमें स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होता है कौन सा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब ऐसा सेकंड केस देख लेते हैं, तो सेकंड केस में क्या अंतर पड़ा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब कि ये जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 545 में 450 प्रेजेंट है, ठीक है तो इसमें 301 जो हो गया ये हमारा स्पेशल मेजॉरिटी बना 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये जो 301 है ये 273 जो हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था उससे ऊपर है तो ये वैलिड होगा, ठीक है वो ये इस केस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम केस में 450 के बदले मान लीजिए सिर्फ 300 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है तो इसका 2/3 क्या हो जाता, इसका 2/3 हो जाता 200, ठीक है 300 का 2/3 200 हो जाता है, यानी 201 हो जाता हमारा, अगर पिछले केस से देखे होते फर्स्ट केस जो था कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से तो उसमें तो वैलिड हो जाता, लेकिन इस केस में वैलिड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को फुलफिल नहीं करा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या था, जो सिंपल हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस था प्लस वन, ठीक है तो यानी 273, तो जब हाफ से ज़्यादा हो स्ट्रेंथ से और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो तो वो हमारा सेकेंड केस को डिनोट करता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हमें इस मेथड को फॉलो करना होगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं ये वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होना चाहिए जो कि फेडरेशन को इफेक्ट ना करे। फेडरेशन मतलब क्या, कि इसमें स्टेट के अंदर जो है ना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करे, स्टेट के पावर को इफेक्ट नहीं करे, सिर्फ सेंटर से इन्वॉल्व हो, ठीक है क्योंकि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को तो वो स्टेट को इफेक्ट ना करे, तो वैसे केस में ये वाला होगा। जब स्टेट को इफेक्ट करेगा यानी फेडरलिज्म को इफेक्ट करेगा तब क्या होगा हम अभी थोड़े देर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिमूवल ऑफ जजेज और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना है, इम्पीच करना है तो हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है CAG, इन दोनों को भी हटाना है तो हमें ये प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें नेशनल इमरजेंसी लाना है तो अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी में भी सेम यही होता है प्रोसेस, ठीक है तो हम देख रहे हैं स्ट्रिंजेंट है, ये काफ़ी हार्ड मेथड है इसलिए सिर्फ बड़े बड़े केसेस में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल अंडर 169, इसमें क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होता है, वो नया क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल या हटा या तो हटा सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना हुआ है उसे, तो ये भी इसी के तहत आता है। तो इसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि जो जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है उसी तरह स्टेट लेजिस्लेशन में स्टेट भी तो अपना रूल बना सकती है, उसी तरह स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है तो ये बहुत सारे स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है काउंसिल नहीं है और बहुत सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो ये काउंसिल बनाना है कि हटाना है ये हम आर्टिकल 169 से डिसाइड करते हैं, ठीक है और इसमें मेजॉरिटी कौन सी यूज़ करते हैं ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देख लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी का। तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी भी 2/3 मेंबर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यहाँ देखिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का बात नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब अगर हम बात कर रहे हैं 545 की तो सीधे इसका 2/3 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है तो वो जो नंबर आएगा वो होता है आपका
सिंपल मेजोरिटी विद टू थर्ड मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? सिर्फ एक जगह, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61. ठीक है, एकदम याद रख लीजिए इसे. इसमें टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं चलेगा, टोटल स्ट्रेंथ का टू थर्ड होना चाहिए. ठीक है, सबसे स्ट्रिंजेंट में से एक हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट को ही हटाने की बात हो रही है. ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने ये टू थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ को यूज़ किया. चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं. अब हम आ जाते हैं सबसे, उससे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो मेथड है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट. ठीक है, क्या है इसमें, क्या हो रहा है? स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, इसके अलावा रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, यानी हर स्टेट से आपको रेटिफाई भी कराना है. ठीक है, हर स्टेट से नहीं लेकिन 50% से ज़्यादा स्टेट से. तो चलिए, इसका पहले मेथड क्या है ये देख लेते हैं. तो आपको दोनों हाउसेज में जो है वो टू थर्ड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए. ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग तो कर ही रहे हैं, उसके बावजूद आपको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाना है और आधे के पास से आपको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है. हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब अभी अगर 29 स्टेट है तो 15 स्टेट्स मिनिमम आपको से वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है और हर लेजिस्लेटिव असेंबली को उसे पास करना होगा बाई सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, तो टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस उसमें आपको रेटिफिकेशन बाई स्टेट भी कराना है, यानी 50% ऑफ द स्टेट से ज़्यादा स्टेट में, यानी मिनिमम 15 स्टेट्स में से आपको उसे लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना है. और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सा मेजोरिटी यूज करना है? सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होता है आप देख लेते हैं. तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जिससे फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा इफेक्ट होता है. ठीक है, तो अभी हमने देखा था जीएसटी के टर्म में, जीएसटी में हमने देखा था रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट हुआ था अगर आपको याद हो तो. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, एक्साइज टैक्स को इफेक्ट कर रहा था. तो स्टेट के पास जो पैसा जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज होता था. ठीक है, तो स्टेट एक्साइज उसको हम इफेक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे एक समझौता हुआ था स्टेट और सभी स्टेट्स और फिर सेंटर में कि कितना होगा स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी सब. उसके बाद फिर आखिरकार जब सब समझौता हो गया तब इस बिल को पेश किया गया, और ताकि ये स्टेट में से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, 15 कम से कम स्टेट इसे पास कर दें. ठीक है, तो ये होता है हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ थे. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल जितने प्रेजेंट हैं उसका आधा से ज़्यादा. फिर पढ़ा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब जो उस हाउस का स्ट्रेंथ है उसका आधा से ज़्यादा. फिर हमने पढ़ा इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब स्ट्रेंथ है उसमें से कुछ लोग जो वेकेट कर जाते हैं उनको हटा दीजिए, उसका आधा से ज़्यादा. ठीक है, और फोर्थ हमने पढ़ा स्पेशल मेजॉरिटी. इसमें भी कई केसेस आ गए, टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लेकिन आधा से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी, दोनों का कॉम्बिनेशन. थर्ड हमने पढ़ा टू थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के केस में. और फिर फाइनली हमने देखा कि टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसके अलावा स्टेट में भी जाना है और आधे स्टेट से सिंपल मेजॉरिटी से हमें रेटिफाई कराना है. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं मेजॉरिटी के. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम बिल्स देख लेंगे, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, कैसे पास होते हैं. ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, मनी बिल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, कैसे पास होते हैं. ठीक है, उनका पास होने का जो मेथडोलॉजी है वो हम देखेंगे. मेजॉरिटी तो हम समझ गए, हम मेथडोलॉजी देखेंगे. तो चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ गया होगा. पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर ही दें सब्सक्राइब. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप इस चैनल का एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां पर आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज सीरियली मिल जाएंगे. इससे आपको वीडियोस खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी.